हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, बैक अगेन टू अ न्यू वीडियो। आज हमारे सामने खड़ी है विटारा। दरअसल नेक्सा ने इसको एस क्रॉस के बदले रिप्लेस कर दिया। ये है ग्रैंड, अब ये ग्रैंड विटारा बन चुकी है और ये सेम एस क्रॉस की तरह ही दिखने वाली है और बस उसी के बदले कॉम्पीट करेगी। और ये रही इसके कुछ लुक्स जो कि पहले ही रिवील हो चुकी है और इसकी बुकिंग भी ओपन है, जुलाई मंथ से स्टार्ट हो जाएगी। इसमें हमको 2500 cc का इंजन देखने को मिलेगा जो कि इस बार क्रेटा और हैरियर से कम्पैक्ट करेगी। और इसके LED DRL इस बार नीचे दिए गए हैं इस विटारा के, और इसका नाम एस क्रॉस से पूरा हटा दिया गया है। और अब इसको एरिना वाले नहीं सेल करेंगे, इसको अब नेक्सा वाले ही सेल करेंगे। और इसमें टोटल आपको 3 वेरिएंट में देखने को मिलेंगे, GLX, GLX और GLX प्लस। तो आपको टॉप मॉडल में ड्यूल टोन देखने को मिलेगा और पैनोरामिक सनरूफ भी आपको देखने को मिलेगा इस मॉडल पे। आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार, बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। और जो 2500 cc के इसमें इंजन दिया गया है उस हिसाब से इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। और कुछ इस प्रकार आपको डायमंड कट अलॉय देखने को मिलेंगे टॉप एंड मॉडल में। और इसका साइज़ पुरानी विटारा से थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया है और सेल्टो से थोड़ी सी छोटी है, बाकी ये विटारा से बड़ी है। और इसकी प्राइस भी समथिंग 20 लैक्स के ऊपर की गई है। अब हम इसका सेकंड मॉडल देखेंगे, ये इसका GLX मॉडल है। इसमें आपको डायमंड कट एलॉय व्हील तो देखने नहीं मिलेंगे और इसमें आपको पैनोरामिक सनरूफ भी देखने को नहीं मिलेगा, नॉर्मल सनरूफ देखने को मिलेगा। और ये भी ड्यूल टोन के साथ अवेलेबल रहेगी और सिंपल सिंगल टोन के साथ भी अवेलेबल रहेगी। तो ये रही इसकी कुछ लुक्स। और इसकी प्राइस की मैं बात करूँ तो इसकी प्राइस 20 से 21 लाख के बीच रहेगी। टॉप मॉडल से ये 2.5 लाख रुपये कम रहेगी। और इसमें भी सेम CC के इंजन मिलने वाला है आपको। और ये इसमें नया कलर आया है, फिलहाल तो ये नेक्सा की तरफ से लॉन्च हो रही है, तो अभी कलर्स के नाम नहीं रखे गए हैं, बाद में रखे जाएंगे। तो कुछ इस प्रकार है इसके लुक्स। इसमें भी आपको फॉग लैम्प देखने मिल जाएंगे, ठीक ठाक फीचर आपको देखने मिल जाएंगे। और आपको फुली लोडेड गाड़ी टॉप एंड मॉडल में ही देखने को मिलेगी। और ये इसका बेसिक सा मॉडल है, आप देख सकते हैं इसमें डमी कैप्स लगाए गए हैं और इसमें स्टील रिम मिलने वाले हैं। बाकी आपको जो एसेसरीज की नीड है आपको बाहर से लगवा सकते हैं। और इसमें आपको कोई भी बैक लाइट LED नहीं मिलेगा, ना ORVM आपको ग्लॉसी में मिलेगा, ये आपको बेसिक से चीज़ मिलने वाले हैं। और इसकी प्राइस उन दोनों मॉडल से और कम रहेगी। सारे बेसिक फीचर आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाएंगे इस बेस मॉडल में। और इसमें टच स्क्रीन नहीं दी रहेगी। होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और मैं अपने चैनल में इसी प्रकार की वीडियो लाता रहूँगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।